मैंने अगर तुम्हें ध्यान हो तो लास्ट टाइम करवा दिया, याद है कि नहीं? गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, या एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो इसको ध्यान सुनना है। देखो इसमें इसमें है कुछ नहीं, तुमने ये डेरिवेशन लास्ट टाइम किया, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। डेल्टा जी सिस्टम जो है इट इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल होता है, ये डेरिवेशन मैंने कराई है। डेल्टा एस टोटल इज टू डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स लिया, फिर माना था मैंने सपोज हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा एस सराउंडिंग्स को लिखा था मैंने माइनस क्यूपी बाई टी, क्यूपी को लिख दिया डेल्टा एच, तो यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल गई कि डेल्टा एच आ गया हमारा टी डेल्टा एस के इक्वल। तो ये मैंने उसको पुट करके फिर ये प्रूफ किया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने ये पूरा ढंग से प्रूफ किया था, डेल्टा जी जीरो माइनस सी डेल्टा एस टोटल। फिर मैंने तुम्हें बोला स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। फिर मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दो तरीके से मैंने कहा था डिफाइन करते हैं, एक जब डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो, एक जब डेल्टा जी क्या हो जीरो के इक्वल हो, तो उस केस में जी जो है मिनिमम होगा एट इक्विलिब्रियम। ये मैंने कहा था स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, डेल्टा जी जीरो है ध्यान रखना, नॉट डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन डेल्टा जी जीरो होगा एट इक्विलिब्रियम। दूसरा मैंने तुम्हें बोला डेल्टा एस टोटल जीरो होगा, डेल्टा जी जीरो है तो डेल्टा एस टोटल तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल क्या होगा जीरो होगा एट इक्विलिब्रियम। और इसमें बोलेंगे एस इज मैक्सिमम, एस इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। मैंने तुम्हें बोला था ये जरूर ध्यान रखना, इन बातों को भूलना नहीं है, डेल्टा एस टोटल जीरो लेकिन एस मैक्सिमम है, मतलब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन होगी, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे जैसे होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मान लो बन रहा है, तो जी की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज करेगी, जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी और इक्विलिब्रियम पे जाके मिनिमम हो जाएगी, और एंट्रोपी की वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज करेगी और इक्विलिब्रियम पे जाके क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें, सही ना, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है इसके अंदर। ये याद है मैंने लास्ट में बताया था स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, थ्योरी तुम नोट कर लोगे, यहीं पे कर। देखो रिएक्शन हो रही है आर गिव्स पी, आर गिव्स पी, ये रिएक्शन हो रही है, ये कर दूसरा कर तीसरा कर, तुम बड़े से पेज बना लेना, तीन कर्व हैं, तीन कर्व हैं ये, और यहां पे हमारा रिएक्टेंट, तो यहाँ प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट तो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट तो ये प्रोडक्ट, सही ना, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट है तो राइट हैंड साइड भी प्रोडक्ट है। अब जैसे जैसे ये बात कर रहे हैं इस रिएक्शन, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, जैसे जैसे रिएक्शन होगी जी की वैल्यू, जी वर्सेज मान लिया मैंने जी वर्सेज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कह लो या टाइम, जी वर्सेज गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेज टाइम या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, हर जगह ये आएगा वाई एक्सिस पे एक्सिस, सही ना, जी वर्सेज टाइम। अब इसमें क्या होगा, अब देखो जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होगी तो जी की वैल्यू क्या करती जाएगी डिक्रीज करती जाएगी, जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज किया गया और इसके बाद इंक्रीज कर, तो ये यहाँ से मैंने रिएक्टेंट को स्टार्ट किया, ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ पे, इस पॉइंट को कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे डेल्टा जी जीरो होगा और जी मिनिमम, डेल्टा जी क्या हो गया जीरो हो गया और जी मिनिमम। अब देखो यहाँ रिएक्टेंट थे, यहाँ प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो जी की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज की है, मान लो यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ 10 का, माइनस 10 हो गया, जी की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज की ना, यहां से यहां डिक्रीज हुआ सिर्फ 2 का या 1 का, 2 का या 1 का, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं, अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो डिक्रीज क्या हुआ कम हुआ, यहां से यहां गए जाओ तो डिक्रीज क्या हुआ ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये रिएक्शन जैसे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये पास किसके है, प्रोडक्ट के पास है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रोडक्ट के पास है, दैट मींस ये प्रोडक्ट फेवरिंग रिएक्शन है, रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इस वजह से इसका केसी जो होगा वो ग्रेटर देन वन होगा, ये और याद रखना, केसी क्या था प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं इसलिए केसी क्या होगा ग्रेटर देन वन, केसी क्या होगा ग्रेटर देन वन, और इस पॉइंट पे डेल्टा जी जीरो होगा याद रखना है, और जी मिनिमम होगा। एज सून एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस विद और विद टाइम वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम्स मिनिमम एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी, रिएक्शन होल्ड कर गई है, रिएक्शन होल्ड कर गई है
और ये वैल्यू मिनिमम हो गई है इक्विलिब्रियम पे, सही ना, ये वैल्यू क्या हो गई है, मिनिमम हो गई है इक्विलिब्रियम पे। और ऐसे ही अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और इसमें क्या होगा देखेंगे, ध्यान देंगे एक बार, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसमें इस वाले केस में ये देखो, ये इस तरीके से करना है, यहां से स्टार्ट किया और ये खत्म हो गया। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अब इस केस में तुम देखोगे ना, ये रिएक्टेंट है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है, तो इस केस में वैल्यू प्रोडक्ट में ज्यादा, प्रोडक्ट में अगर माइनस टेन आया, ऊपर से नीचे माइनस टेन आया, तो रिएक्टेंट में सिर्फ माइनस टू या माइनस वन आया होगा, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्लोज किसके है, इट इज लाइंग क्लोज टू द रिएक्टेंट, लाइंग क्लोज टू द रिएक्टेंट, दैट मीन दिस रिएक्शन इज रिएक्टेंट फेवरिंग एंड विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, दिस रिएक्शन इज रिएक्टेंट फेवरिंग एंड विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी, और इस पॉइंट पे डेल्टा जी क्या होगा, जीरो होगा, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ऐसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट फेवरिंग, यानी रिएक्शन जाएगी रिवर्स डायरेक्शन। अब ऐसे ही अगर मैं इसके लिए लूँ तीसरा कर्व, कैसा बन सकता है ये, अब इस केस में ना तो ये कह लो प्रोडक्ट को फेवर कर रही है, ना ही रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, इधर डेल्टा जी जीरो है, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, केसी क्या आएगा इसमें, वन के इक्वल आएगा अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ केसी जो आएगा वो लेस देन वन आएगा, यहाँ केसी लेस देन वन आएगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट फेवरिंग है, रिएक्टेंट ज्यादा है, इसको प्रोडक्ट कम है, तो केसी की वैल्यू इससे क्या होगी, लेस देन वन होगी, केसी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन, इक्विलिब्रियम पे जीरो हो जाएगा। एक बार हैंड टेस्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको कर्व समझ आ गया, तीनों से तीन कर्व मैं उसके बताऊंगा एंट्रोपी के, हैंड टेस्ट करेंगे जिसको प्रोडक्ट समझ कर्व समझ आ गए, जल्दी से सिद्धि, कृष्णा, कनिष्, छवि, नित्या, अर्णव, वेदांत, देवांशी, हर्ष, हर्षित, देवांशी, यस सर, नहीं समझ आएगा भैया, आ गया सर, वो हैंड रेज नहीं हुआ। अच्छा देवांशी, ध्यान देना पूरे क्लास में, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लोज टू द प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे क्लोज टू प्रोडक्ट प्रोटियर है, तो रिएक्शन प्रोडक्ट फेवरिंग होगी, और ऐसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट इफ इट इज क्लोज टू द रिएक्टेंट, या ये रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्शन रिएक्टेंट फेवरिंग होगी, रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी, और बीच में लाई कर रहा है तो कह लो दोनों को फेवर कर रही है या दोनों को फेवर नहीं कर रही, और दोनों के तीनों के केस में जिसमें प्रोडक्ट फेवरिंग है तो प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, केसी ग्रेटर देन वन, जिसमें रिएक्टेंट फेवरिंग है तो केसी लेस देन वन, और केसी इक्वल टू वन होगा किस केस में, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट बिल्कुल बीच में लाई कर, किसी को पूछना तो नहीं है कुछ, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब दूसरे कर्व जो है वो ध्यान देंगे उसमें, दूसरा कर्व जो है, ये मैंने तुम्हें कर्व जो बताए हैं किसके, गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। अब एक कर्व मैं इसी के नीचे, तुम लोग बड़ा बड़ा बनाना ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है ये मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें समझा तो दिया ही है, ये एक दो ये तीन, अब ये है एस वर्सेस टाइम के, एंट्रोपी वर्सेस टाइम, एंट्रोपी वर्सेस टाइम, एंट्रोपी वर्सेस टाइम, ये इसका कर्व है। अब यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट बनेगा। अब इस केस में क्या होगा, अब जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है, ध्यान देना, जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, जैसे रिएक्शन होगी तो जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, वेदर इट इज फ्रॉम प्रोडक्ट साइड, वेदर वी स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट साइड और वी स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, वैल्यू ऑफ जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग, वेयर इज दैट ऑफ एस, एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी, वो बढ़ेगी, है ना, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इस केस में देखो, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, कहा मान लो रिएक्टेंट यहाँ पे है और ये बड़ी वैल्यू बढ़ी और ये यहाँ पे खराब, तो अब बताओ यहाँ पे एंट्रोपी, मैंने यहाँ रिएक्टेंट थे यहाँ प्रोडक्ट थे, तो रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है कि नहीं, और इस पॉइंट पे क्या हो गई है, इसमें क्या हो गई मैक्सिमम, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पे डेल्टा एस क्या होगा, जीरो, डेल्टा एस जीरो होगा लेकिन एस क्या है मैक्सिमम, डेल्टा एस तो जीरो है लेकिन एस क्या है मैक्सिमम, बात समझ आएगी ना, ये इधर क्या होगा डेल्टा एस जीरो होगा और एस क्या होगा मैक्सिमम,
और ऐसे ही दूसरा अगर तुम देखोगे, दूसरा कर्व देखो जस्ट इसके ऑपोजिट है, ये कर्व नीचे जी था, टाइम के साथ साथ रिएक्शन होगी तो जी डिक्रीज करेगा, जी डिक्रीज करेगा एंड विल बिकम मिनिमम, और टाइम के साथ साथ एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो एंट्रोपी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट में मैक्सिमम हो गई और फिर यहाँ पे प्रोडक्टिव साइड कम हो गई। तो अब कोई भी रिएक्शन हो तो स्टार्टिंग में एंट्रोपी क्या होगी, कोई भी रिएक्शन है अगर तो स्टार्टिंग में तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे फेवर होगा वो देखेंगे। अच्छा अब ऐसे ही दूसरा केस लिया मैंने, तो इस केस में कर्व ऐसे बनेगा, तो ये यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डेल्टा जी डेल्टा एस क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा एस टोटल जीरो होगा, डेल्टा एस टोटल जीरो होगा और एस मैक्सिमम होगा। अब ये रिएक्टेंट फेवरिंग है, प्रोडक्ट फेवरिंग है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा बढ़ रही है, प्रोडक्ट से जब हम रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं तो एंट्रोपी ज्यादा बढ़ रही है, प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं तो एंट्रोपी ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज रिएक्टेंट फेवर, रिएक्टेंट की तरफ जाएगी यानी रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, ये रिएक्शन कहां जाएगी रिवर्स डायरेक्शन में, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डेल्टा जीरो होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है डेल्टा जीरो, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट देता था डेल्टा जीरो, और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बिल्कुल दोनों को कहो फेवर कर रही है या दोनों को फेवर नहीं कर रही, इस तरीके बिल्कुल बीच में रहेगा, ऑलमोस्ट क्या रहेगा बीच में रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, डेल्टा एस टोटल क्या होगा इसमें जीरो, डेल्टा एस टोटल क्या होगा जीरो, समझ गए कि नहीं है, बस अभी अब बताएंगे कि ये समझ आ गया कि नहीं तुम्हें, ये कर्व जो है समझ आ गया कि नहीं, डेल्टा एस टोटल क्या होगा जीरो, डेल्टा एस टोटल का डेल्टा जी का, ये कर्व समझ आ गए कि नहीं वेदांत? यस सर, क्लियर हो गया कर्व, ये पहले से पता थे ना कर्व वेदांत? सर डेल्टा एस की नहीं पता थे। अच्छा नहीं, वो तो दोनों एक ही है वैसे कर्व ना, दोनों कर्व तो एक ही है ना वेदांत, कि टाइम टाइम के साथ साथ जी डिक्रीज करता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, टाइम के साथ साथ जी डिक्रीज करता है और ऐसे इंक्रीज करता है, जी इक्विलिब्रियम पे मिनिमम हो जाएगा, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, एस इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन डेल्टा एस क्या होगा जीरो, समझ गए वेदांत की राइन? यस सर समझ गए। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कर्व चाहिए, और ऐसा नहीं कि पूछता नहीं है जी की वैल्यू क्या होगी विद द प्रोग्रेस, एज सून एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस देन व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, तुम क्या बोलोगे इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड विल बिकम मिनिमम एट इक्विलिब्रियम बट डेल्टा जी विल बी जीरो, व्हाट हैपेंस टू एंट्रोपी विद प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, तो एस गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड बिकम्स मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम बट डेल्टा एस इज जीरो, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इसी लाइन को देखते हुए हमने क्या बनाया कर्व बनाया, इसी लाइन को देखते हुए हमने कर्व बनाए, तो ये कर्व जो थे जी वर्सेस टाइम और एस वर्सेस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, बहुत कम देखो जी वाले कर्व तो ना मिल जाते हैं, एस वाले कर्व नहीं मिलेंगे, एस वाले कर्व भी इंपॉर्टेंट है, एस वाले ओरली बता देते हैं लेकिन मिलते नहीं है, तो एस वाले कर्व बिल्कुल सेम ऐसे बनाने हैं और ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट आएगा एट, मैंने तुम्हें जैसे लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर लिए थे उसमें मैंने क्वेश्चन कराया था एट इक्विलिब्रियम डेल्टा इज टोटल इज जीरो, डेल्टा सिस्टम इज जीरो, डेल्टा जी इज जीरो, जी इज मिनिमम, डेल्टा एस जीरो है तो एस इज मैक्सिमम, ऐसे करके मैंने सारे पॉइंट दिए थे, मैंने तीन चार करेक्ट बताए थे उसके अंदर, तो उस क्वेश्चन को जरूर करना, उससे और चीजें क्लियर होंगी, है ना, उससे और चीजें क्लियर होंगी। तो अभी ये कर्व्स में मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इन कर्व्स के अंदर इन कर्व्स को जरूर कर लेना। अब मैंने जैसे कोई भी रिएक्शन लिखी, सपोज कोई भी ये ले लो रिएक्टेंट वर्सेज प्रोडक्ट, देखो उसमें क्या समझ आता था, तुम रिएक्टेंट वर्सेज प्रोडक्ट ये रिएक्शन है, इसका मान लो मैंने बोला डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में जाएगी, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में जाएगी, जल्दी दो आंसर, इसमें तो बहुत इजी चीज पूछी मैंने, वेदांत आंसर बोले एक बार, बैकवर्ड, हाँ बैकवर्ड में जाएगी, तो वेदांत ध्यान सुनिए एक बार, अगर तू कह रहा है रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी और मैंने लिखा रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, मैंने इक्विलिब्रियम का साइन शो कर रखा है, इक्विलिब्रियम का साइन शो कर रखा है, तो ये तो रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रही है बैकवर्ड में भी जा रही है, तो ये तो यही कहता है इक्विलिब्रियम का साइन कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, तो फिर ये कैसे हो रहा है, रिवर्सिबल का साइन का मतलब ये होता है ना कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, फिर मैंने डेल्टा जी पॉजिटिव लिखा, ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, एक कह रहा है कि रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, दूसरा कह रहा है रिएक्शन फॉरवर्ड में भी हो रही है बैकवर्ड में भी हो रही है, इक्विलिब्रियम का साइन जो है ये वाला या रिवर्सिबल का साइन जो है, ये कह रहा है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है
बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम का साइन कहता है और डेल्टा जी का साइन कह रहा है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या कोई ये कंसेप्ट गलत है इसमें कि दोनों सही है? बताओ इसे सोच के, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? रिवर्सिबल का साइन कहता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में बैकवर्ड में दोनों में हो रही है, लेकिन जो डेल्टा जी पॉजिटिव है वो कहता है कि रिएक्शन, वो कह रहा है कि रिएक्शन सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो इनमें से क्या कोई गलत है? सही है। हाँ तो क्या रीजन है फिर, क्या क्या दिक्कत आ रही है? जैसे अगर पहला ग्राफ देखें हम जी वर्सेस मतलब जी वर्सेस टाइम का, तो उसमें अभी जाके डेल्टा जी की स्लोप पॉजिटिव हो रही है, पर वो बहुत बाद में जाके हो रही है, और सेकंड ग्राफ देखें तो उसमें पहली हो गई, तो उस पे डिपेंड करेगा कि फॉरवर्ड हो जाएगी या बैकवर्ड हो जाएगी। गणेश बिल्कुल सही है, बस मेरे को ये बता कि क्या रिएक्शन, ध्यान सुनियो, क्या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा जी, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं हो रही है? सर होगी। हाँ अब ध्यान सुनना, डेल्टा जी पॉजिटिव है इसका मतलब मेनली रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और वो कब? इक्विलिब्रियम के बाद। लेकिन जो इक्विलिब्रियम का साइन है वो कहता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, बैकवर्ड में भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट साइड भी जाती है और रिएक्टेंट साइड भी जाती है। देखो तुम देखो ना खुद यहाँ पे, तुम्हें कर्व देख के पता लग रहा होगा, रिएक्शन यहाँ पे नीचे कर्व नीचे आ रहा है ना, पॉइंट इधर से पॉइंट नीचे आ रहा है, इधर से पॉइंट नीचे आ रहा है, तो स्टार्टिंग में तो रिएक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की साइड भी जा रही है, रिएक्टेंट की साइड भी जा रही है। इक्विलिब्रियम के बाद क्या हो रहा है ना, इक्विलिब्रियम तक कौन, ये रिएक्शन गई कितनी गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बहुत ज्यादा, और ये रिएक्शन कितनी गई फॉरवर्ड, बहुत कम। नहीं समझ आ रही बात? जैसे डेल्टा जी, अच्छा ये तीन कर्व दी है मैंने, मान लो ए कर्व, बी कर्व, सी कर्व। मैंने जो डेल्टा जी पॉजिटिव बोला है वो कौन से कर्व के लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए? डेल्टा जी जो मैंने पॉजिटिव बोला है वो कौन से कर्व के लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए? हाँ बिल्कुल सही है वेदांत, ये बी के लिए है। देखो ना बी के लिए क्या हो रहा है, बी के लिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आने पर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी डिक्रीज कर रही है, नीचे आ रही है वैल्यू की नहीं, इस पॉइंट पे क्यों आया, और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो थोड़ा सा ही नीचे आ रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन होगी, इधर इस रिवर्सिबल रिएक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा फेवर होगी, तो डेल्टा जी क्या होगा इसका पॉजिटिव, डेल्टा जी क्या होगा इसका पॉजिटिव, और इसका डेल्टा जी, ए वाले का डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट फेवरिंग, ये प्रोडक्ट फेवरिंग है, तो डेल्टा जी इसका नेगेटिव होगा। ये पढ़ना आना चाहिए कर्व को तुम्हें कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, केसी तुम्हें दिख भी रहा है कि लेस देन वन है, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, मतलब कि ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हें कर्व समझ आ गए होंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, ये कर्व तुम्हें समझ आ जाने चाहिए, कोई इसमें इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, कर्व तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए सब। नेक्स्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसके अंदर एक टॉपिक और लेते हैं, मैक्सवेल्स रिलेशन, मैक्सवेल्स प्रॉपर्टी रिलेशन, पढ़ा हुआ है सबने टॉपिक, समय पढ़ा हुआ कि नहीं है? अभी हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया है, गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ये टॉपिक खत्म हो गया। मैक्सवेल्स प्रॉपर्टी रिलेशंस, ये सब में पढ़ा हुआ टॉपिक ही नहीं, इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं इसको, मैक्सवेल्स प्रॉपर्टी रिलेशंस फर्स्ट लॉ वगैरह को यूज कर। टॉपिक कम पढ़ाते हैं इसको भी, लेकिन इसके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर के अंदर। मैक्सवेल्स प्रॉपर्टी रिलेशंस फ्रॉम फर्स्ट लॉ, यूजिंग फर्स्ट लॉ। देखो डेल्टा एक्सप्रेशन देखना यहाँ पे, डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, डेल्टा ई इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, तो यहाँ से आ गया डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू की जगह लिख देंगे टी डी एस, आपको पता ना ये टी डी एस, और डब्ल्यू की जगह माइनस पी डी वी, माइनस पी डी वी प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ये पहली इक्वेशन, इसको मैं यूज करूंगा अभी। उसके बाद अब H इज इक्वल टू होता है E प्लस PV, एंथैल्पी कंटेंट ऐसे दिया जाता है, H इज इक्वल टू E प्लस PV होता है, तो H इसमें मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, dH निकालूं उसको, तो dH क्या आएगा, dE आएगा प्लस PdV आएगा प्लस VdP आएगा।
नहीं ना, डी ई की, अब डी ई की वैल्यू, डेल्टा ई की वैल्यू मैं ऊपर से पुट कर रहा हूँ यहाँ से, डेल्टा ई की वैल्यू, तो डी एच आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी कैंसिल, तो डी एच आ गया यहाँ से टी डी एस प्लस वी डी पी, ये सेकेंड रिलेशन, ये पहली इक्वेशन ये यूज करूंगा मैं, ये सेकंड इक्वेशन मैं ये यूज करूंगा, थर्ड थर्ड, अब थर्ड मैंने पहले ई लिखा फिर एच लिखा, अब क्या लिखूंगा थर्ड के लिए, जी याद है कि नहीं, जी जो एच माइनस टी एस था, तो डी जी आ जाएगा डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस जी टी, कोई टेम्परेचर कांस्टेंट कुछ हम कांस्टेंट नहीं मान रहे इनके अंदर, जो आ रहा है वो लिख रहे हैं, अब डी एस की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे यहां से, तो ये आ जाएगा टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस जी टी, तो टी डी एस से टी डी एस कैंसिल, तो यहां से डी जी आ गया वी डी पी माइनस एस डी टी, डाउट किसी को उसमें, तीनों रिलेशंस क्लियर हैं, ये तीनों रिलेशन सबको क्लियर है कि नहीं, मैक्सवेल रिलेशंस, ये सबको क्लियर है तीनों रिलेशंस, गर्व यस सर, गर्व क्लास जैसे लास्ट क्लास भी शायद मिस हुई थी तेरी, देख लेते हैं ना दोबारा इनको, सर मेरे लेक्चर अभी यहाँ तक हुए नहीं है, अच्छा हुए नहीं है, चल अभी मैं ना एक बार तेरे को ये रिपीट कर देता हूँ, हाँ एक टॉपिक मैंने करा दिया इसके अंदर अभी, सही ना, एक टॉपिक मैंने करा दिया है, क्या कहते हैं कौन सा कर्व थे, ये गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ये कर्व मैंने करा दिया अभी, सही कर्व, अब ना दूसरा ये जो मैं करा रहा हूँ, हाँ ये टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ वो टॉपिक जरूर देख लेना, रिकॉर्डिंग अभी ना होगी मैं भेज दूंगा तेरे को, तो वो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, और अभी हम पढ़ रहे हैं मैक्सवेल्स प्रॉपर्टी रिलेशंस, क्या पढ़ रहे हैं मैक्सवेल्स प्रॉपर्टी रिलेशन, ये फर्स्ट लोगो यूज करते हैं, हाँ मैक्सवेल, ये तूने अगर पढ़ा हुआ रिकॉर्डिंग से तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार दोबारा देख ले जल्दी से, पढ़ा हुआ क्या रिकॉर्डिंग से कि नहीं, नहीं सर नहीं पढ़ा, अच्छा पहले देख, पहली लॉ देख, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस यू, ये क्लियर है तेरे को, पहली लाइन से देख एक बार, यस सर, फर्स्ट लॉ, अब क्यू को लिख दिया मैंने टी डी एस, पता ना डेल्टा एस इज इक्वल क्यू बाय टी होता है, क्यू को लिख दिया टी डी एस और डब्ल्यू को लिख दिया माइनस पी डी वी, कोई डाउट तो नहीं है, नो सर, और फिर H इज़ टू E प्लस PV पता है एंथैल्पी कंटेंट, ये भी स्टार्टिंग में लेक्चर था, तो DH इज़ टू आ जाएगा DE प्लस PDV प्लस VDP, ये सर VDP प्लस बहुत होता है, फिर इसके बाद DE की वैल्यू ऊपर, ये DE की वैल्यू ऊपर से यहां से पुट कर दी, ओके सर, तो ये TDS माइनस PDV लिखा, PDV से PDV कैंसिल प्लस VDP आ गया, फिर DH की वैल्यू आ गई, अब अगला कांसेप्ट ये भी तेरे को पता होगा, G इज़ टू गिब्स फ्री एनर्जी होता है H माइनस TS, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है H माइनस TS, सही है, Yes, sir. तो अब dg इज इक्वल टू आ जाएगा dh माइनस tds माइनस sgt, अब ds की वैल्यू यहां से पुट कर दी, yes, sir. तो यहां से अब dg की वैल्यू आ गई ना, अब यहां पे हम पार्शियल डेरिवेटिव लगा देंगे, एक बार कर ये निकालेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी, और एक बार इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, कीपिंग जब विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है तो कीपिंग एंट्रोपी कांस्टेंट, और जब विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी है देन कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, सही ना, इस तरह से निकालेंगे, छह रिलेशन आएंगी, दो रिलेशन यहां से आएंगी, दो रिलेशन यहां से आएंगी, दो रिलेशन यहां से आएंगी, जैसे पहली रिलेशन मैंने बोला कर्ली ई बाय कर्ली एस, ये पार्शियल डेरिवेटिव को कर्ली वी वर्ड यूज करते हैं, कर्ली ई बाय कर्ली एस निकाला मैंने, क्या कांस्टेंट रखेंगे इसमें, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा T के इक्वल, क्या आ जाएगा ये देख, गर्व क्लियर हुआ कि नहीं है, कर ली बाय कर ली ऐसी रिलेशन से पहले वाले से, सर V की कांस्टेंट लिया, ये रिलेशन निकालते हैं ना हम, मानते हैं प्रोसेस आइसोकोरिक है, ये रिलेशन निकाली हुई है प्री डिफाइंड इक्वेशन से, ये करना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये रिलेशन आएगी, वॉल्यूम कांस्टेंट तो ये रिलेशन आ जाएगी, तो कर ली बाय कर ली है, और ये
कब होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस में। ये कब है? आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, सही ना, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। ऐसे ही अगर मैंने बोला कर ली ई बाय, हाँ अब मैंने बोला कर ली ई बाय कर ली वी निकालना है कीपिंग एंट्रोपी कॉन्स्टेंट, तब क्या आएगा? अब एंट्रोपी कॉन्स्टेंट तो जीरो हो जाएगा ये सर। यस सर। और ये माइनस पी आ जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। आइसो एंट्रोपिक, सही ना, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा ना ये। चलो ये दो चीज समझ आ गई। अब इधर से निकालेंगे हम करली एच बाय, ध्यान देंगे, इधर से क्या निकालेंगे? करली एच बाय करली एस, इधर से निकालेंगे करली एच बाय करली एस, देखो क्या आएगा। और क्या कॉन्स्टेंट रखेंगे? प्रेशर कॉन्स्टेंट। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस, ये आइसोबारिक प्रोसेस होगा करली एच बाय करली एस, दिस इज इक्वल टू टी। समझ आ रहा है कि नहीं? ये करली एच बाय करली एस, ये आइसोबारिक है क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट। ऐसे ही करली एच बाय दूसरा निकालेंगे करली पी कीपिंग एस कॉन्स्टेंट, जो कि आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू वी। देखो समझ आ रहा है कि नहीं? ये चेक करो एक बार, समझ नहीं आ रहा दोबारा पूछ लो एक बार। करली एच बाय करली पी निकाला कीपिंग एंट्रोपी कॉन्स्टेंट, तो वी के इक्वल आ गया। ये चार रिलेशन समझ आ गए कि नहीं वाली? ये चार रिलेशन समझ आ गई कि नहीं? गर्ल यस सर। ये चार रिलेशन क्लियर है ना? अच्छा अब ये चार रिलेशन हो गई हैं। इसमें ये आइसोकोरिक है, ये आइसो एंट्रोपिक है, ये वाला आइसो बारिक है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, आइसो बारिक है, और ये आइसो एंट्रोपिक, ये आइसो एंट्रोपिक, ये चारों में रब कर रहा हूँ। अब जी की टर्म्स में, जो जी वाला है ना इसके टर्म्स में, या फिर थोड़ा सा ऊपर से हटा देते हैं, मेन रिलेशन रखेंगे सिर्फ, बाकी हटा जी की टर्म, मैं सिर्फ मेन रिलेशन रख रहा हूँ, बाकी मैं हटा रहा हूँ। देखो मैंने मेन रिलेशन रखी है वन टू और थ्री वाली, मेरे को अब जी वाली रिलेशन दिखानी है। जी में कैसे बनेंगी? इसमें क्या निकालेंगे जी वाले केस में? ये रहा जी वाला केस, देखो करली जी बाय करली पी निकालेंगे, करली जी बाय करली टी निकालेंगे। तो मैंने निकाला करली जी बाय करली पी कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, यानी प्रोसेस हो गया आइसोथर्म, दिस इज इक्वल टू वी। सिमिलरली करली जी बाय करली टी कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा माइनस एस, ये क्या आ जाएगा? माइनस एस। ये दो रिलेशन समझ आ गई? यही मैक्सवेल्स रिलेशन है, यही क्या है? मैक्सवेल्स रिलेशन, जी वाली स्पेशली, जो जी वाली निकाली ना, डी डी जी टू वीडीपी माइनस एस डी पी, इसी को बोलते हैं मैक्सवेल्स रिलेशन। ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए कि नहीं? Yes. अब मैं अगर इसके अंदर बोलता तुम, तुम्हें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ना, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ना, तो अगर मैंने तुम्हें बोला सपोज इसमें जी वर्सेस पी का कर्व कैसा बनेगा, जी वर्सेस पी का कर्व, जी वर्सेस पी इसका कर्व कैसा बनेगा? जी वर्सेस दूसरा ले लेते हैं टी का कर्व, जी वर्सेस टी का कर्व, ये कैसे बनेंगे दोनों कर्व? जी वर्सेस पी का कर्व, जी वर्सेस टी का कर्व, जी वर्सेस अगर मैंने पी बोला, देखो जी वर्सेस पी तुम्हें ये दिख रहा है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कि नहीं? डी जी इज इक्वल टू वी डी पी होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये देखो डी जी जो है सिर्फ वी डी पी के इक्वल होगा ना एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जब कॉन्स्टेंट है, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, नहीं क्लियर है? डी जी क्या होगा वी डी पी के इक्वल होगा कि नहीं? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया ना, माइनस एस डी टी होता है,
अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो दिस टर्म विल बी जीरो, क्या आ जाएगा यहाँ से, तो जी वर्सेस पी का कर्व कैसा आ जाएगा, जी वर्सेस पी का ये आ जाएगा कि नहीं, देखो जब डी डी टी जीरो है एट डी टी टू जीरो जी वर्सेस पी का, ऐसे भी कभी कर्व पूछे तो ये चीज और ध्यान रखना, और ऐसे ही जी वर्सेस टी का कर्व कैसा आएगा, जी वर्सेस टी का कर्व एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है एट डीपी टू जीरो नीचे की तरफ स्लोप, सही ना, ये आ जाएगा स्लोप नेगेटिव है इसका, माइनस ऐसे ना स्लोप नेगेटिव है तो कर्व नीचे की तरफ, ऐसे ही बाकी कर्व भी तुम लोग बना सकते हो, ऐसे ही तुम बाकी कर्व भी बना सकते हो, ये प्रोसेस है आइसोबारिक है, ये आइसोबारिक है, ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है, किसी को कोई डाउट है पूछना तो पूछ सकते हो, ये प्रॉपर्टी रिलेशंस है, आरएमएन चेक कर लिया करो टाइमिंग से एक बार। अच्छा अब ये तुम्हें कर्व तुम्हें समझ आ गए हैं, नेक्स्ट अब इसी में ना एक दो चीजें मैं और बताऊंगा, एक दो मतलब एक क्या कहते हैं रिलेशन होता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस पे, क्लॉसियस क्लैपेरॉन देखो देखो अभी मैंने जो रिलेशन निकाला तुमने ये क्वेश्चन पढ़ी हुई है डेल्टा जी जीरो डेल्टा एच माइनस सी एल्टा एच, डेल्टा जी जीरो डेल्टा एच माइनस सी एल्टा एच रिलेशन पढ़ा हुआ तुमने, एक रिलेशन अभी हमने निकाला कर्ली जी बाय कर्ली पी कर्ली एस एस तो था ना डी जी टू वी डी पी माइनस एस जी टी, ये इस रिलेशन से मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, बस यही क्लास होगी, नेक्स्ट टाइम मैं लूंगा क्लास आगे, देखो अभी रिलेशन लिखा था ना डी जी इजल टू वी डी पी माइनस एस जी टी, ये रिलेशन था, तो यहाँ मैंने कर्ली जी बाय कर्ली पी निकाला था, ये पेपर में पूछा हुआ है नीट के भी, कर्ली जी बाय कर्ली पी निकाला तो वी आया था, वी आया था एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये आया था कर्ली जी बाय कर्ली टी ये एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एक कर लीजिए कर ली पी निकालेंगे तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा ना ये, और कर लीजिए कर ली टी निकालेंगे तो कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा, सही ना, सही है, ये हो जाएगा एस, ये एस हो जाएगा, तो बस इसकी वैल्यू पुट करनी है ऊपर हमें डेल्टा एस की ना, एक्चुअल में डेल्टा एस की वैल्यू करनी है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट तभी तो डेल्टा एस आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोबारिक कंडीशन तो डी बाय डीटी ऑफ सर माइनस एस नहीं आएगा, हाँ माइनस एस डी बाय डीटी ऑफ डेल्टा जी क्या होगा, डी बाय डीटी ऑफ डेल्टा जी, ये डेल्टा जी है, d by dt of delta g क्या होगा at constant pressure minus s होगा minus delta s, ये होगा कि नहीं, d by dt of delta g at constant pressure minus delta s होगा कि नहीं, इसको देखो d by dt of delta g एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, डेल्टा एस की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दो, ये प्रॉपर्टी रिलेशंस में आ जाए, ये डेल्टा जी का फॉर्मूला पूछा हुआ पेपर में, डेल्टा एच माइनस टी और डेल्टा एस की वैल्यू टी बाय डी टी ऑफ डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये रिलेशन याद कर लेना, यहाँ माइनस माइनस हट के बाहर प्लस आ जाए, माइनस माइनस हट के बाहर प्लस आ जाए,
ये रिलेशन भी पढ़ लेना, यही गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, एक्चुअल गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। सही ना, यहाँ तक कर लेना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।